हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी 2022 के सेकंड वीक यानी कि दूसरे सप्ताह के गिरिराज न्यूज़पेपर के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज Which toll-free number has been issued by the Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs for the consumers to register their complaints regarding the price and quality of food grains? खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा खाद्यान्नों की कीमत एवं गुणवत्ता के संबंध में उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? ये नंबर है 1967। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश का जो खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले वाला विभाग है यानी कि फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर वाला जो डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा खाद्यान्नों की कीमत एवं गुणवत्ता के संबंध में उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, वो है 1967। विभाग द्वारा वितरित की जा रही जो भी वस्तुएं हैं जैसे कि दाल, चीनी, तेल या नमक और जो भी उचित मूल्य की दुकान में मिलती हैं हमें, उनकी गुणवत्ता के संबंध में किसी भी उपभोक्ता को कोई शिकायत है तो वो तुरंत विभाग के अधिकारियों को इस नंबर पर कॉल करके मैसेज कर सकता है, उस पर बता सकता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का जो फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट है उसके हिमाचल प्रदेश के जो मंत्री हैं वो हैं राजेंद्र गर्ग। इनका निर्वाचन क्षेत्र है घुमारवीं जो कि है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा ये हमारे प्रिंटिंग और स्टेशनरी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर भी हैं। On which date the budget of Himachal Pradesh for the financial year 2022-23 will be presented? वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए हिमाचल प्रदेश का बजट किस तारीख को पेश किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 4 मार्च 2023 को। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो बजट सत्र है वो 23 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2022 तक चलेगा और इसमें कुल 16 बैठकें होंगी। इसके अलावा जो वित्त वर्ष 2022-23 का बजट है उसे 4 मार्च को प्रस्तुत किया जाएगा। The power generation capacity in the rivers in Himachal Pradesh is what % of the total generation capacity of the country? हिमाचल प्रदेश में नदियों में बिजली उत्पादन क्षमता देश की कुल उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत है? यह है 20%। तो हिमाचल प्रदेश में नदियों में बिजली उत्पादन की जो अनुमानित क्षमता है वो है 24,600 मेगावाट और जो हमारे पूरे देश में नदियों की जो अनुमानित क्षमता है बिजली उत्पादन की उसका ये लगभग 20% है। इसके अलावा 24,600 मेगावाट दोहन जो क्षमता है उसमें से अभी तक 10,948 मेगावाट क्षमता से अधिक का जो है दोहन हो चुका है और 2,525 मेगावाट की विभिन्न जो विद्युत परियोजना है उनकी कंस्ट्रक्शन चली हुई है, निर्माण चला हुआ है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश भारतवर्ष का पहला पहाड़ी राज्य बना है जहाँ पर 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य जो है वर्ष 1988 में ही हासिल कर लिया गया था और हिमाचल प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है उनके द्वारा स्वच्छ ऊर्जा और हरित ऊर्जा के लिए काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं और जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं हिमाचल प्रदेश में उनमें 100% जो है स्वच्छ ऊर्जा ही होती है। What is the rank of Himachal in the whole country in the quantity and quality of drinking water and tap functionality at the consumer level in the water quality survey conducted by Government of India? भारत सरकार द्वारा किए गए जल गुणवत्ता सर्वेक्षण में उपभोक्ताओं स्तर पर पेयजल की मात्रा व गुणवत्ता तथा नल कार्यशीलता में पूरे देश में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है हिमाचल प्रदेश का। तो जो हमारा जल शक्ति विभाग है उनके द्वारा राज्य में पिछले 2 वर्षों में 8.27 लाख घरों में वो नल से शुद्ध जल उपलब्ध करवाया गया है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा किए गए जल गुणवत्ता सर्वेक्षण के अनुसार जो उपभोक्ता स्तर पर पेयजल की मात्रा और गुणवत्ता तथा नल कार्यशीलता में पूरे देश में हिमाचल प्रदेश को प्रथम अंक मिला है, प्रथम आंका गया है। इसके अलावा हिमाचल सरकार द्वारा जुलाई 2022 तक हिमाचल प्रदेश के हर घर में नल से जल देने का लक्ष्य रखा गया है और हर घर नल से जल उपलब्ध करवाने का जो राष्ट्रीय लक्ष्य है वो 2024 तक रखा गया है और राज्य सरकार द्वारा अब तक 92% घरों को कार्यशील नल प्रदान कर दिया गया है। इसके अलावा वर्ष 2020-21 में हिमाचल प्रदेश को 221.28 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई थी जो कि देश भर में जितने भी जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो बेहतर कार्य कर रहे हैं राज्य हैं उनमें से 7 राज्यों में सबसे अधिक है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का जो जल शक्ति विभाग है उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश में 14 जिला स्तरीय और 42 जो है उपमंडल स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं और इन 42 उपमंडल स्तरीय जो जल परीक्षण प्रयोगशाला हैं उनमें से 37 प्रयोगशालाएं ऐसी हैं जो कि राष्ट्रीय मानक जो कि हमारा NABL यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग कैलिब्रेशन लेबोरेटरी, उनसे इन्हें प्रमाणिकता मिल चुकी है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय प्रयोगशाला भी स्थापित की जा रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जैसे कि अभी हमारा स्वर्ण जयंती कार्यक्रम चला है, उसके अंतर्गत छोटे छोटे और कार्यक्रम हर विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश का जो जल शक्ति विभाग है उनके द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर शुद्ध जल अभियान शुरू किया गया है। इसके अलावा जल के नमूनों के परीक्षण के लिए, यानी कि जो वाटर के सैंपल लिए जाते हैं उनकी टेस्टिंग को अधिक बढ़ाने के लिए वर्ष 2021 के जून और अक्टूबर माह में भी एक अभियान चलाया गया था। Which is the first रोपवे ऑफ हिमाचल प्रदेश विच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड थ्रू नाबार्ड फंडिंग फॉर रूरल कनेक्टिविटी। हिमाचल प्रदेश का पहला रोपवे कौन सा है जिसका निर्माण नाबार्ड के वित्त पोषण के माध्यम से ग्रामीण संपर्क के लिए किया जा रहा है? तो कौन सा है ये है माता बगलामुखी रोपवे। अगर मैप में देखें, यहाँ देखिए आप, ये है ब्यास रिवर और ये जो है ये रिजर्वायर है ब्यास रिवर का, बनाया गया है पंडोह डैम के लिए। यहाँ पर है पंडोह डैम और ये जो आप येलो कलर की लाइन देख रहे हैं ये है हमारा मनाली चंडीगढ़ वाला नेशनल हाईवे। इस तरफ को मनाली की तरफ जाता है और इस तरफ को चंडीगढ़ को। और अगर इस मैप में देखें यहाँ पर हम, तो यहाँ पर है हमारा बगलामुखी माता टेम्पल और इसके लिए जो कनेक्टिविटी है वो इस तरह से यहाँ पर रोड जाता है और इस तरह से कनेक्ट किया गया है। तो काफ़ी लंबा ये रोड है, काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है, तो अब इसके लिए एक रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी यहाँ पर दी जा रही है। तो हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले में बगलामुखी मंदिर के लिए एक 800 मीटर माता बगलामुखी रोपवे की आधारशिला रखी है और ये जो रोपवे है राज्य का पहला ऐसा रोपवे है जिसका निर्माण जो है भारत सरकार द्वारा नाबार्ड के वित्त पोषण यानी कि नाबार्ड की फंडिंग के माध्यम से ग्रामीण संपर्क यानी कि रूरल कनेक्टिविटी के लिए रोपवे के निर्माण की अनुमति के बाद किया जा रहा है। यानी कि हिमाचल प्रदेश का रूरल कनेक्टिविटी वाला पहला रोपवे ये बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो MLA प्रायोरिटी स्कीम्स होती हैं यानी कि विधायक प्राथमिकता योजनाएँ होती हैं उसके अंतर्गत लाया जाने वाला भी पहला रोपवे है ये हिमाचल प्रदेश का और इसका निर्माण जो है लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा और दो कंपनीज हैं वो इसका निर्माण करेंगी। एक है मैसर्स डॉप्लमेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी है बैकम इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और ये जो है एरियल ट्रामवे टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इस रोपवे को बनाएगी और इस रोपवे में जो एक सिरा है वो द्रंग विधानसभा में होगा, दूसरा सिराज विधानसभा क्षेत्र में होगा। यहाँ पर देखिए मैप में जो ये इस तरफ वाला एरिया है ये सारा का सारा है सिराज विधानसभा का क्षेत्र और इस तरफ का जो एरिया है ये सारा है द्रंग विधानसभा का क्षेत्र। तो एक सिरा जो है इसमें द्रंग विधानसभा क्षेत्र में होगा, दूसरा जो होगा सिराज विधानसभा क्षेत्र में होगा। इसके अलावा जो इसकी कॉस्ट है वो कॉस्ट शेयरिंग की गई है भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच में। तो भारत सरकार जो है 90% वहन करेगी और 10% जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार वहन करेगी। Which policy was recently approved by the Himachal Pradesh Cabinet for cultivation of cannabis for medical, scientific and industrial purposes under the provision of cultivation and regulation? हाल ही में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा खेती और विनियमन के प्रावधान के तहत चिकित्सा, वैज्ञानिक और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई है? यह है हमारी इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी। तो हाल ही में नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती जो कि चिकित्सा, वैज्ञानिक और औद्योगिक इन उद्देश्यों से की जाएगी, यानी कि मेडिकल, साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल पर्पस से की जाएगी, उसके लिए इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी इसको मंजूरी दे दी गई है। देखिए जो भांग है उसका काफ़ी उपयोग किया जाता है, उसका मेडिकल फील्ड में, उसका साइंटिफिक फील्ड में, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए काफ़ी उपयोग किया जाता है। जैसे कि भांग के बीज का उपयोग जो है वो ट्यूमर और कैंसर के अल्सर के उपचार के लिए किया जाता है। इसके अलावा नार्कोटिक, सेडेटिव, एंटी फंगल, एंटीसाइकोटिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी मलेरियल, एंटी लीशमीनियल और स्टोमैकिक इसके लिए भी भांग का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी बनाई गई है उसमें कुछ लक्ष्य भी रखे गए हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में मादक पदार्थों की तस्करी, मादक द्रव्यों का सेवन, नशीली दवाओं की खेती, उत्पादन और खपत, इस तरह की जो गंभीर समस्याएं हैं उनको भी रोका जाएगा और अगर कोई ऐसा करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पर बच्चों को कोई भी मादक पदार्थ ना बेचे जाए, इसके लिए सभी शिक्षण संस्थानों को नो ड्रग्स नो इंटॉक्सिकेशन जोन घोषित किया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में एक हिमाचल प्रदेश इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन एंड अल्टरनेटिव रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम ये भी शुरू किया जाएगा और ये जो पॉलिसी है ये बनाई गई है हिमाचल प्रदेश का जो नशा निवारण बोर्ड है उसके जो संयोजक हैं, कन्वीनर हैं OP शर्मा, उनके द्वारा ये जो ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी है, इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी, इसको ड्राफ्ट किया गया है और ये जो हमारा नशा निवारण बोर्ड है इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। In which year was the Bee Research Center situated at the Nagarota Bagwan in Kangra district established? कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवा में स्थित मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कब की गई थी? वर्ष 1936 में ये की गई थी। तो हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, वो कांगड़ा जिले के नगरोटा बागवां में स्थित जो मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र है, बीर सर्च सेंटर है, उसका उन्होंने दौरा किया। जो ये मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र है नगरोटा बागवां में, इसकी स्थापना वर्ष 1936 में डॉक्टर सरदार सिंह के नेतृत्व में की गई थी और ये उस समय जो पाकिस्तान के अधीन पंजाब था उसके अंतर्गत इसकी की गई थी। इसके अलावा वर्ष 1960 में भारत में एपिस मेलिफेरा नाम की मधुमक्खी को इंट्रोड्यूस किया गया था और वर्ष 1964 में ये जो हमारा मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र नगरोटा बागवां है वहाँ पर इस एपिस मेलिफेरा को इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये जो बीर सर्च स्टेशन है नगरोटा बागवां में, इसे सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा चलाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें हम पूरे इंडिया के क्राइटेरिया की, तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में हिमाचल प्रदेश में लगभग 2365 मधुमक्खी पालक थे और हिमाचल प्रदेश में 5515.25 मीट्रिक टन वार्षिक शहद उत्पादन दर्ज किया गया। और अगर पूरे भारत की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1,25,000 मीट्रिक टन जो है हनी प्रोडक्शन किया गया था और हनी प्रोडक्शन के मामले में वर्ल्ड में भारत का जो रैंक है वो है 8वें स्थान पर है हमारा प्यारा भारत। During the meeting of Himachal Pradesh Scheduled Caste Welfare Board, the financial grant to the scheduled caste families for the purchase of tools has been increased from 1300 to how many rupees? हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की बैठक के दौरान अनुसूचित जाति परिवारों को औजार खरीदने के लिए वित्तीय अनुदान 1300 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए किया गया है, कितने रुपए कर दिया गया है, ये कर दिया गया है 5000 रुपये। तो हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड है उनकी धर्मशाला में बैठक थी और बैठक की अध्यक्षता की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने। उसमें अनुसूचित जाति के परिवारों को औजार खरीदने के लिए जो वित्तीय अनुदान है उसे 1300 रुपये से बढ़ाकर अब 5000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा जो सिलाई मशीन है उनकी खरीद के लिए जो अनुदान है वो 1800 रुपये से बढ़ाकर अब 5000 रुपये की करने की घोषणा कर दी गई है। Where is the research institute in Indian system of medicine situated that was recently visited by Governor Rajendra Vishwanath Arlekar? भारतीय चिकित्सा प्रणाली में अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है जिसका हाल ही में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने दौरा किया था? कहाँ पर है ये? जोगिंदर नगर में ये स्थित है। How many domestic consumers will be benefited by the recent announcement of relief in electricity bills by the Chief Minister Jayram Thakur? हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा की गई बिजली बिलों में राहत की घोषणा से लगभग कितने घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित होंगे? तो कितनों को लाभ मिलेगा? लगभग 11 लाख जो उपभोक्ता हैं उनको लाभ मिलेगा। तो हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुछ घोषणाएं की, उसमें एक घोषणा ये भी की थी कि जिन घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की खपत प्रति माह 60 यूनिट तक है उनसे प्रति बिजली यूनिट कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, उनसे जो सिर्फ मीटर रेंट चार्जेस ही लिए जाएंगे और जो उनकी बिजली की खपत है 60 यूनिट तक है उसमें उनसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा 60 से 125 यूनिट तक की बिजली खपत पर जो जितने भी घरेलू उपभोक्ता हैं उनसे प्रति यूनिट 1 रुपये का शुल्क लिया जाएगा और 60 यूनिट तक के जितने भी लाभार्थी हैं लगभग 4 लाख जो हैं घरेलू उपभोक्ता हैं वो लाभार्थी होंगे और 60 यूनिट से लेकर 125 तक के जो लाभार्थी हैं लगभग 7 लाख तक होंगे। टोटल देखा जाए तो लगभग 11 लाख तक जो है लोगों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो किसान हैं उनको राहत देने के लिए भी अनाउंसमेंट की गई है। पहले उन्हें जो प्रति यूनिट 50 पैसे देना पड़ता था बिजली का, अब उन्हें जो है 30 पैसे कर दिया गया है, इसकी घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा ये जो रियायतें दी गई हैं, छूट दी गई हैं, तो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मार्च 2022 से ये छूट शुरू हो जाएगी और जितने भी कृषि उपभोक्ता हैं उनके लिए जो छूट है ये अप्रैल 2022 से शुरू होगी। जो भी आप घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं मार्च 2022 से आपको ये जो रिलैक्सेशन है 60 यूनिट वाली ये मिलना शुरू हो जाएगी और जितने भी किसान हैं उनको जो है अप्रैल 2022 से ये छूट मिलना शुरू होगी। Where is the first government middle school under CCTV surveillance in Himachal Pradesh situated? हिमाचल प्रदेश में CCTV निगरानी के तहत पहला राजकीय माध्यमिक विद्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये? ये है त्वारिफ पंडोह में। देखिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दौरे पर थे, पंडोह के दौरे पर थे, तो वहाँ पर उन्होंने इंडस्ट्रियल इस्टेट पंडोह के प्रथम चरण का भूमि पूजन भी किया। इसमें 30 से 35 शेड बनाए जाएंगे जिसमें कि हथकरघा और फैशन डिजाइनिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा त्वारफी में सीसीटीवी की निगरानी के अंतर्गत लाए गए राज्य के पहले माध्यमिक विद्यालय का भी उन्होंने दौरा किया और ये जो त्वारफी है ये पंडोह में स्थित है जो कि मंडी जिले में स्थित है। इसके अलावा मंडी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के औट में पशु औषधालय कोट खमरदा को प्रमोट करके उसे अब पशु अस्पताल बनाने की घोषणा भी कर दी गई है। व्हाट इज द टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ सावरा कुड्डू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? कितनी है? ये है 111 मेगावाट। तो जब पिछले वर्ष दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश आए थे, मंडी आए थे, तो उन्होंने कुछ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की वहाँ पे इनॉग्रेशन भी की, तो उसमें से एक है सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। जो कि शिमला जिले के हाटकोटी मंदिर माता मंदिर के समीप ही स्थित है और इसका जो निर्माण है वो हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया है और इसकी जो क्षमता है वो है 111 मेगावाट और ये बनाया गया है पब्बर नदी के ऊपर, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और इसकी जो लागत है लगभग 2082 करोड़ की लागत है और ये जो परियोजना है इसका कार्य शुरू किया गया था वर्ष 2007 में और ऐसा एस्टिमेट था कि 2014 में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये कंप्लीट हुआ 21 जनवरी 2021 को। और ये जो डैम है इसका डिज़ाइन जो है एक वाद्य यंत्र है पियानो, उसकी तरह इसका डिज़ाइन है। यहाँ आप देख सकते हैं ये पियानो की तरह इसका डिज़ाइन बनाया गया है और इस परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 386 मिलियन यूनिट विद्युत जो है उत्पादन होगा, ये प्रतिवर्ष की बात की गई है। और इसमें हिमाचल प्रदेश जो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है उनके माध्यम से राज्य को सालाना लगभग 120 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। इन विच मेडिकल कॉलेज डिड चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर इनॉग्रेट द हिस्टोपैथोलॉजी लैब। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस मेडिकल कॉलेज में हिस्टोपैथोलॉजी लैब का उद्घाटन किया, कहाँ पर किया, ये किया डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में जो डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर है वहाँ पर 84.20 लाख रुपए की लागत से बनी हुई हिस्टोपैथोलॉजी लैब का उद्घाटन किया। देखिए हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब समझते हैं, जब भी कोई बीमारी होती है, कोई रोग होता है, उसमें जो भी टिश्यूज़ में हमारे उत्कों में परिवर्तन होता है उसकी स्टडी को कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। तो उसके लिए एक लैब बनाई गई है और ये बनाई गई है डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में। इसके अलावा वहाँ पर नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत एक नेत्रदान केंद्र यानी कि आई डोनेशन सेंटर भी बनाया गया है और 15 लाख रुपए की लागत से वहाँ पर ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर भी स्थापित किया गया है, उसका उद्घाटन भी किया गया। चरणजीत सिंह हु हेल्स फ्रॉम उन्ना डिस्ट्रिक्ट हु पास्ट अवे रिसेंटली वाज अ पार्ट ऑफ विच इंडियन टीम दैट वॉन गोल्ड इन ओलंपिक्स। उन्ना जिले से संबंध रखने वाले चरणजीत सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे। तो वर्ष 1964 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, तो उस टीम के कप्तान थे चरणजीत सिंह, इनका हाल ही में निधन हो चुका है और उन्ना जिले के रहने वाले थे। Who was the winning team of the 9th National Women's Ice Hockey Championship held at Kaja in Lahaul Spiti District? लाहौल स्पीति जिले के काजा में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप की विजेता कौन टीम रही, ये रही लद्दाख की वुमेन्स टीम। तो लद्दाख की महिला टीम ने 9th नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है। हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज गिवन बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू द गर्ल्स अंडर शगुन योजना एट द टाइम ऑफ मैरिज। हिमाचल सरकार द्वारा शगुन योजना के तहत लड़कियों को शादी के समय कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है, ये दी जाती है 31,000 रुपये। तो हिमाचल प्रदेश में जो भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियां हैं उनके लिए शगुन योजना शुरू की गई है और उन्हें 31,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है शादी के समय। हु वाज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ परमवीर चक्र ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन थे, ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा। तो हिमाचल के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हाल ही में धर्मशाला में गए थे, वो वहाँ पर दौरा किया उन्होंने और वहाँ पर जो शहीद स्मारक है उसका भी दौरा किया और वहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। तो देश के पहले परमवीर चक्र विजेता थे वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा। इनका जन्म 31 जनवरी 1923 को कांगड़ा जिले के दाड़ गाँव में हुआ था और इनकी नियुक्ति जो है 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में हुई थी। 3 नवंबर 1947 को श्रीनगर हवाई अड्डे के पास पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ते हुए उन पर कार्रवाई करते हुए ये शहीद हो गए थे। तो बडगाम की लड़ाई यानी कि बैटल ऑफ बदगाम के दौरान उनकी वीरता और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये थी हमारी डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।